हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आप सभी सेफ होंगे और ये हमारा लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें आप सब कोऑपरेट कर रहे होंगे। घर पे बने रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैंने ये वीटी स्टेशन का पेंटिंग बनाया है। बहुत बड़ा कैनवास है, अराउंड 30 इंच बाय 24 का, और ये अभी CST के नाम से भी जाना जाता है स्टेशन को। बहुत ही चहल पहल और बहुत भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, और जो भी बॉम्बे आता है इस जगह पे ज़रूर जाता है। तो मैंने सोचा इसको पेंट करते हैं। इसको पेंट करने के लिए मैंने जो कैनवास है उसको पहले प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद एक्रेलिक कलर से उसको ब्लॉक किया, और फिर ऑयल कलर के साथ उसकी फिनिशिंग की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये लार्ज स्केल कैनवास पेंटिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। इस पेंटिंग में हम वन अम्बर, टाइटेनियम वाइट, वायलेट, अल्ट्रा मरीन ब्लू, रेड, येलो ऑकर, ब्लैक, ग्रीन, लेमन येलो, ये कलर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने ब्लॉक्स बना लिए हैं ग्रिड, और जो फोटो है उसको देखकर उसका स्केच मैं तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है गूगल पे, VT स्टेशन का फोटोग्राफ्स। तो दोस्तों, बम्बई जो है या मुंबई, ये भारत की बहुत ही पॉपुलर सिटीज़ में से एक है, विच इज़ वन ऑफ द मेट्रोस, और यहाँ जो बॉलीवुड है वो बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे देखने के स्पॉट्स हैं, उसमें से एक मैंने पहले भी बना चुका हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर मैंने उसको पेंट किया था, और ये एक दूसरा स्पॉट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये जो स्टेशन है वीटी स्टेशन, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना है, और इसका पर डे का जो वॉल्यूम है इसमें करीबन 30 लाख के आसपास पैसेंजर ट्रेवल करते हैं एक दिन में। तो ये स्टेशन जो है लोकल ट्रेन्स का भी है, और मेन ट्रेन्स जो दूसरी सिटीज़ में जाती हैं उसके लिए भी ये स्टेशन है। तो बॉम्बे में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हैं, उसमें से एक ये सबसे बड़ा स्टेशन, और इस स्टेशन के पास में बहुत सारे और देखने लायक चीज़ें हैं। लोग जो साउथ बॉम्बे घूमना चाहते हैं वो स्टेशन पे उतर के फिर आगे टैक्सी लेके गेटवे ऑफ इंडिया या चर्च गेट या मरीन ड्राइव जाते हैं। मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया है बॉम्बे में। जब 2002 में आया था, मैं रिलायंस इंफोकॉम ज्वाइन किया था, और नवी मुंबई से मैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ट्रैवल करता था, और उन दिनों काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी मेरे होम टाउन से बॉम्बे घूमने आते थे, तो उनको पिकअप करने के लिए CST स्टेशन पर जाता था, और वहाँ से फिर उनको नवी मुंबई ट्रेन से ही, लोकल ट्रेन से ही लेकर आता था। तो काफ़ी बार मैं गया हूँ इस स्टेशन पे, और जब फिर अपना कार ले लिया था तो हम साउथ बॉम्बे में घूमने जाते थे, और इसको हम बाहर से देखते थे बिल्डिंग को। तो मैंने कई बार सोचा था कि मैं इसकी पेंटिंग बनाऊंगा, और इस तरह से मैंने फिर इसको डिसाइड किया। ये जो है रात का सीन बना रहे हैं, तो हमने पहले स्काई को पेंट किया, उसमें वॉयलेट, अल्ट्रा मरीन ब्लू और थोड़ा सा बर्न अम्बर डाला, उसका ऊपर का स्काई पेंट किया। अब रोड के लिए भी ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू, वॉयलेट, थोड़ा ब्लैक, ब्राउन, ऐसा मिक्स करके बना रहा हूँ। और जो कार्स और उसके स्केच थे वो मैं फिर से जब पेंटिंग हो जाएगी तो ऑन द फ्लाई उसको पेंट करूँगा, कार और ट्रैफिक और दूसरी चीज़ें। तो जो बिल्डिंग है VT स्टेशन की, ये आप ओरिजिनली भी देखेंगे तो येलो ऑर्कर कलर की है, तो इस पेंटिंग में मैं येलो ऑर्कर कलर का यूज़ करूँगा बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी हाइलाइट्स में वाइट मिक्स करूँगा, कभी ब्राउन मिक्स करूँगा। तो देखिएगा
मैं किस तरह से करता हूँ। अब हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड हो गया है, अब हम मेन ऑब्जेक्ट जो बिल्डिंग है, बहुत ही सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, दोनों साइड में काफ़ी सेम स्ट्रक्चर है और बीच में आप देख सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, चार पांच पेड़ हैं उसके बिल्डिंग के आसपास, तो वो लेके आएंगे और फिर उसमें हम कुछ लाइव एलिमेंट डालेंगे, जैसे चलते हुए आदमी और औरतें, फिर कुछ टैक्सीज, कार, तो आपको बड़ा ही सीखने को मिलेगा किस तरह से हम लाइव एलिमेंट उसमें डालते हैं। तो ये जो कैनवास है वो 30 इंच बाय 24 इंच का कैनवास है और इसको मैंने घर पे ही बनाया बोर्ड को। मेरा एक वीडियो भी है कि इस तरह से कैनवास बोर्ड में घर पे बनाता हूँ, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप भी उसको देख के सीख सकते हैं। जब मैं पहली बार मुंबई आया तो मुझे इस सिटी का जो पेस है बहुत ही फास्ट पेस है, लाखों लोग रोज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लोकल ट्रेन से, बसेस से ट्रेवल करते हैं। मुंबई की जो लाइफस्टाइल है वो अगर एडजस्ट हो जाए तो प्यार हो जाता है इस लाइफस्टाइल से। उसकी नाइट लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कभी भी बंद नहीं देखा मैंने, रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर आप जाएंगे तो आपको लोग सड़कों पे दिख जाएंगे। और साउथ बॉम्बे जो एरिया है वो अपने आप में बहुत हैपनिंग एरिया है, काफ़ी सारे अच्छे जॉइंट्स हैं, ताज महल होटल, कप परेड, मरीन ड्राइव, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे मोंडेगार और एक ताज होटल के पीछे बड़े मियाज, बहुत फेमस नॉन वेजिटेरियन का जॉइंट है रोड साइड। अब मैंने बिल्डिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, येलो ऑर्कर में थोड़ा वाइट मिक्स करके मैं उसको बना रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा येलो ऑर्कर में वन नंबर मिक्स करके शेडिंग कर रहा हूँ, उनके जो स्ट्रक्चर है, लाइनिंग है, उसके लिए लाइंस के लिए मैंने बर्न अम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू को मिक्स किया है, एक डार्कर टोन बनाई उससे मैं लाइंस बना रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो वीटी स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनल्स, जो अब सीएसटी के नाम से जानता है, वो करीबन 200 साल पहले बना है, मैं भी उससे ज़्यादा, उनकी जो प्लानिंग थी, जो उसका कैपेसिटी का प्लानिंग था, आज भी इतने सालों के बाद भी इस स्टेशन पे
जैसे मैंने बोला 25-30 लाख लोग रोज ट्रेवल करते हैं, पर वो इतना कंजस्टेड और मतलब आसानी से उसको अकोमोडेट कर लेता है उतने लोगों को, एक बहुत बड़ी बात है। और जो हम स्टेशन बनाते हैं आफ्टर और इंडिपेंडेंस, वो इतने कंजस्टेड छोटे, बहुत ही, जैसे कुर्ला स्टेशन है आप कंपेयर कीजिए तो तब की प्लानिंग जो थी उनकी ब्रिटिशर्स की वर्सेस अब, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वालिटी आप देखिए, बिल्डिंग अभी तक वो बिल्डिंग उस तरह से खड़ी हुई है इतने सालों के बाद भी, तो कुछ मामलों में तो बहुत ही सीखने को है उनसे, किस तरह से प्लानिंग की जाए, किस तरह से क्वालिटी मेंटेन की जाए। अब इसका नाम जो है बदल के कुछ साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कर दिया गया है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ बिल्डिंगें हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा गया है, जब हम अपने स्वतंत्रता सेनी और स्वतंत्रता के अधिनायकों का नाम इस तरह से बिल्डिंग्स पर रखते हैं तो बड़ा ही गौरव महसूस होता है। एक आप देखिए टोन्स का जो इफेक्ट है वो किस तरह से आ रहा है, वही येलो और बेस है उसमें वाइट और ब्राउन और थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके अलग अलग लाइट टोन्स बना रहे हैं, डार्क टोन्स बना रहे हैं। तो जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के जो छोटे छोटे से डिटेल्स हैं वो उभर के आ रही है, और इसी को आप थोड़ा प्रैक्टिस करने तो हर कोई इसको कर सकता है। और मुझे इस तरह के ओल्ड आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स और इमारतें बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। मैंने जैसे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था, मेरे कुछ फोर्ट्स बनाए हैं मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा उसके बारे में फिर पढ़ता भी हूँ, समझता हूँ किस तरह से ये बना है, क्या किसने बनाया है टाइप से। बॉम्बे में अब जैसे कि मैंने, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का भी एक बहुत मेजर रोल है बॉम्बे को इतना फेमस बनाने में। यहाँ पर ग्लैमर और फिल्म के सितारे रहते हैं, और कुछ एरियाज़ हैं जैसे बांद्रा और लोखंडवाला, साउथ बॉम्बे, वहाँ आपको कुछ इस तरह के सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे। बॉम्बे केवल बॉलीवुड के लिए नहीं तो कई दूसरी चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पर एक साउथ बॉम्बे में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मेकर्स चैम्बर्स। वो मेकर्स चैम्बर्स में जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बिरला, टाटा, अंबानीज, इनकी अपने ऑफिसेज रहते हैं। मतलब उस बिल्डिंग में अगर आपका ऑफिस हो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो जो साउथ बॉम्बे का एरिया है वो अपने आप में एक सबसे महंगा एरिया है मुंबई इंडिया का, उसमें बहुत पुरानी और फिर नई बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन है। और आप वहाँ से शाम के समय जो है मरीन ड्राइव पे आप जा सकते हैं, काफ़ी अद्भुत वहाँ का दृश्य रहता है, चारों तरफ लोग और लाइटिंग, और उसको क्वींस नेकलेस भी बोलते हैं। जब आप थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो एक नेकलेस का शेप दिखाई देता है उसमें। न्यू मुंबई का एक और खासियत है कि यहाँ पर लोग रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, नए बस जाते हैं और वो उसको अकोमोडेट करता जाता है। तो आपको हर प्रांत और हर जगह के यहाँ पर लोग मिलेंगे। यहाँ पर पारसी लोग भी हैं, यहाँ पर बंगालीज भी हैं, यहाँ महाराष्ट्र तो है ही, गुजराती, पंजाबी, हर तबके के यहाँ लोग रहते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है, जो लोगों को यहाँ पर
अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वो यहाँ पर मैंने देखा, जितने भी मैं भी जो है बॉर्न एंड ब्रॉट अप ग्वालियर में हुआ हूँ, और जब मैंने 2002 में रिलायंस ज्वाइन किया तो मुंबई शिफ्ट हुआ था, और मेरे साथ मेरे जैसे कई मेरे फ्रेंड्स अलग अलग जगहों से आए थे, और वो आज बस गए हैं मुंबई में, और वो अपनी एक अलग लाइफस्टाइल मेंटेन किए हुए हैं, अलग अलग कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो जो मेहनत करना चाहता है, जिसको काम करना है, मुंबई में अथाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर चाहे कोई तो सक्सेसफुल ज़रूर हो सकता है। यहाँ के खाने में भी बहुत विविधता हैं, पर कुछ मेजर यहाँ के चीज़ें हैं जो मुंबई अगर कोई आता है तो ज़रूर और ज़रूर उसको टेस्ट करता है, वो है वड़ा पाव। मुंबई में वो महाराष्ट्र का ही बहुत इम्पोर्टेंट एक मील है, बहुत सस्ते में आपको 10 रुपये टप टाइप में मिल जाता है, और उसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इससे आपका इंस्टेंटली पेट भर जाता है, ये इंडियन बर्गर जैसा होता है, इसमें आलू की पेटी एक पाव के अंदर होती है, और उसमें कुछ मसाला और तली हुई मिर्चियाँ के साथ उसको खाते हैं, बड़ा ही टेस्टी होता है। फिर एक पाव भाजी बहुत फेमस है, वो आपको अक्सर में देखने को मिलेगा, लोग पाव भाजी खाते हैं, और जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पाव भाजी भी बहुत फेमस है मुंबई में, आप ज़रूर उन जगहों पर जाकर टेस्ट कीजिए। आपको यहाँ पर भेल भी बहुत फेमस है, जुहू पे और बीचेस पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भेल का आप मज़ा ले सकते हैं। मुंबई की बारिश भी अपने आप में एक नशा है, दूसरी जगह पर बारिश होती है तो उसमें थोड़ा भीगने में डर लगता है, क्योंकि ठंड लगती है और आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मुंबई की बारिश में भीगना एक अपने आप में मज़ेदार एक्सपीरियंस है, और लोग अक्सर उसका लुफ्त लेते हैं। और मुंबई जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो आप उसको बीचेस और बोट्स और लॉट इसका मज़ा ले सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं उसमें बैठ के बड़ी बड़ी बोट्स पे। अब देख रहे हैं, मैंने रेड भी थोड़ा सा लिया और उसमें ब्राउन मिला के एक नेचुरल टोन बनाया, जो लाल रंग अगर रात की अंधेरे में किस तरह से दिखता है उस तरह का कलरिंग किया है। मैं हाइलाइट्स भी बीच बीच में कर रहा हूँ। मुंबई में एक और चीज़ बड़ी फेमस है, वो है यहाँ की भाईगिरी। बहुत बड़े बड़े डॉन्स भी यहाँ पर हुए हैं, और एक मेजर इंसिडेंट मुझे याद है जो ताजमहल होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो भी एक अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट था, किस तरह से मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर कंट्रोल करके चीज़ों को नॉर्मल किया था। और उसके बाद बॉम्बे ब्लास्ट भी एक अविस्मरणीय घटना है, पाश्विक घटना जैसे बोल सकते हैं, जानवरों जैसा लोगों की थिंकिंग है। तो पर मुंबई की एक बात है कि कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी बड़ी विपदा आ जाए, वो कुछ ही दिनों में उसे भूलकर फिर से उसी पेस के साथ, उसी रफ्तार के साथ चलने लगती है, और यही शायद जीवन भी है। आपके साथ कितना भी कुछ गलत हो, आपको हमेशा उससे ओवरकम करके आगे की लाइफ किस तरह से जीनी है वो सोचना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुंबई की जो ये घटनाएं हैं और उसके बाद जिस तरह से मुंबई उभरती है उन घटनाओं से, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बचपन में जब हम
ग्वालियर में रहते थे, छोटी सिटी थी, तो बहुत सारी मूवीज़ में मुंबई की शूटिंग रहती थी, सुनते थे और बड़े बड़ी घटनाएं होती थी, तो बड़ा ही एक अलग इमेज था। और जब हम मुंबई आए तो हमने उन चीज़ों को जो हमने अक्सर मूवीज़ में देखी थी उनको हमने अब सामने जब देखा तो एक अलग सा कनेक्ट बनता है। जैसे मरीन ड्राइव आपने कितनी जगह पे देखा हुआ, ये स्टेशन जो है बॉम्बे वीटी का आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा हुआ, जब भी हीरो मुंबई आता है तो फर्स्ट सीन जो होता है वो यही स्टेशन का दिखाते हैं। तो लैंडमार्क्स हैं ये, हमारी जो संस्कृति है इसके बहुत ही करीब के पार्ट हैं और हिस्से हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। गेटवे ऑफ इंडिया, न जाने कितने मूवीज़ में, कितने सीरियल्स में, कितने न्यूज़ में, कितने बाहर हमें दिखाया गया है। तो जब हम मुंबई आते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज रहती है, उनमें जो इमेज होती है वो यही होती है जो हमारे दिमाग में आता है, जुहू बीच हो, चाहे महालक्ष्मी टेम्पल हो, चाहे हाजी अली की दरगाह हो, चाहे मरीन ड्राइव हो, चाहे यही वो कुछ जगह हैं जिनको आप दिमाग में लाते हैं जब आपको मुंबई के बारे में कोई बात करता है। तो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हालांकि जल्दी में रहते हैं, बट अगर मुसीबत आती है तो ये लोग बहुत मदद करते हैं। आपने देखा ही होगा जब एक बार बारिश हुई थी कुछ साल पहले जिसमें पानी भर गया था और तभी हाई टाइड भी था समुद्र से, और एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए थे, कंटिन्यूस बारिश की वजह से सब ठप हो गया था। तब जो लोकल लोग हैं जिस इलाके में लोग फंसे हुए थे उनकी जो मदद की थी लोगों ने अपने घरों में, उनको शरण देके उनको खाना पीना सब, तो ये मुंबई में बहुत आम है और यही जो स्पिरिट है मुंबई की वो उसको एक यूनिक सिटी बनाती है। कई लोगों को उसने शिखर तक पहुंचाया है। कुछ लोग मुंबई जब आए थे तब ज़ीरो थे और जब अब देखिए अपने अपने क्षेत्र में वो शिखर पे हैं। उनमें से एक शाहरुख खान हैं, अमिताभ बच्चन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर बने हैं और यही एक आकर्षण है लोगों का। इसके लिए अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग दूसरे शहरों से मुंबई आते हैं और यहाँ के बस होके रह जाते हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर जो काम था हमारा लगभग कंप्लीट जैसा हो गया है और हम इसको और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। एक बेस जो है वो बन गया है, मुझे थोड़ा सिमेट्री भी देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में उसके सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो मुझे काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने दोनों तरफ किस तरह से पेंट किया है। आजकल मैं पुणे में रहता हूँ बट मैं अक्सर मुंबई आता जाता रहता हूँ। कुछ लोग हैं मुंबई में जिनकी वजह से मैं मुंबई बहुत जाता हूँ, ऑफिस भी है। मुझे मुंबई में हमेशा से
अलग फीलिंग हुआ, एहसास हुआ और मैं हमेशा आकर्षित रहता हूँ मुंबई की तरफ। वहाँ जब रहते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही अलग फील करेंगे और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, विच कांट बी एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड्स। अब हम रोड के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उसको थोड़ा पेंट करना शुरू करेंगे, जो सिग्नल्स हैं, अब मैंने ट्रीज़ को पेंट करना शुरू किया। ये ग्रीन एलिमेंट जब आ जाता है पेंटिंग में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, तो इसके लिए मैंने और इसके लिए मैं सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा उसमें ऑलिव ग्रीन भी मिक्स किया हुआ है और हाइलाइट्स हम येलो के साथ करेंगे, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ। और ये अशोक के पेड़ हैं, इसके लिए आप देख रहे हैं मैं फैन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं। आप भी उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए किस तरह से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और पेंट कर रहा हूँ। तो तीन पेड़ इधर, तीन पेड़ इधर और दो बीच में नारियल के पेड़ भी हैं। तो काफ़ी ग्रीन एलिमेंट डालते ही पेंटिंग एक का थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। और जैसा कि आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे ग्रीनरी का एक अलग ही आकर्षण है और मैं अपने घर में भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे रखता हूँ और जब भी मौका मिलता है मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर काफ़ी सारे वृक्ष हों, पेड़ हों, पक्षियों की चहचहाट हों, तो मुझे मज़ा आता है ग्रीनरी पेंट करने में। और मैंने अपनी कितनी ही पेंटिंग्स में अलग अलग तरह के बड़े छोटे लंबे पेड़ बनाए हैं। अब हम सड़क के ऊपर के एलिमेंट्स पेंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लेमन येलो लिया है, मैं कुछ कार बना रहा हूँ, टैक्सी जो ऊपर उसका कलर येलो रहता है और नीचे ब्लैक रहती है, टिपिकल टैक्सी है। पहले जो है प्रीमियम पद्मिनी ये टैक्सीज रहती थी, अब काफ़ी सारी वो टैक्सी हटा दी गई हैं रिस्ट्रिक्शंस के कारण। अब हम उनकी जगह जो है वैगनार और सेंट्रो इन्होंने लिए है। अभी भी आपको कुछ वो पद्मिनी देखने को मिल जाती है। तो हम फिर से वही मैं बोलूँगा कि हमने बचपन में अपनी मूवीज़ में अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े स्टार्स को मूवीज़ में उन टैक्सीज़ में बैठे हुए देखा है, तो जब हम फर्स्ट टाइम
उस टैक्सी को देखते हैं या बैठते हैं तो हमें एक अलग सी फीलिंग आती है, एटलीस्ट मुझे। मैं अमिताभ का बहुत बड़ा फैन हूँ, शायद ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को लगता है पूरा इंडिया ही उनका फैन है और शायद पूरा वर्ल्ड। बहुत ही उनकी मूवीज़ देखकर ही बड़े हुए हैं और भगवान उनको चिरायु दे और वो इस तरह से ही काम करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली बदला मूवी करी थी, बदला, और वो मूवी भी अपने आप में बहुत अच्छी थी। अब एक व्यक्ति बना रहे हैं, एक मनुष्य, एक आदमी, उसके साथ ही दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ है। अगर आप इस जगह गए हैं VT स्टेशन या CST पे तो आपने देखा होगा ये जो एरिया होता है बहुत ही चहल पहल रहती है, चाहे रात को 10 बजे जाइए या सुबह 8 बजे जाइए, आपको उसी तरह से लोग भीड़ भाड़ मिलेगी जैसा कि मैंने बताया। एक दिन में यहाँ से 20 से 25 लाख लोग कम्यूट करते हैं, मतलब आप उस नंबर को सुनकर ही समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एरिया बिजी रहता होगा। और ये जो है पहला स्टेशन है, यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, लोकल ट्रेन्स जो पनवेल तक जाती हैं, हार्बर लाइन पे, फिर दादर, मतलब बहुत ही सारी लाइन्स, करीबन 10 या 11 प्लेटफॉर्म हैं लोकल ट्रेन्स के और फिर मेन लाइन्स के, तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है सुबह का जो और शाम का जो ऑफिस टाइम होता है उसमें। तो यहाँ पर जो गर्दी बोलते हैं मराठी में, गर्दी देखने लायक रहती है। अब मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इधर उधर चल रहे हैं, तो एक साथ जो है अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए लोग पेंट कर रहा हूँ। कहीं वाइट है, कहीं ऑरेंज है, कहीं रेड है, ब्लैक है, वाइट है, इस तरह से अलग अलग शेड, छोटी छोटी उनकी मूवमेंट है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब जो ट्रीज़ हैं उस पर थोड़ी हाइलाइट्स कर रहे हैं जिससे लाइट का जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर आ रहा है उससे आपको
सो इस तरह से ये पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर नॉट डन येट। थैंक यू वेरी मच।